Hello students, hope you are going very well for the topics I explained in my last videos. Today I will start unit 11th, mensuration. You know very well about the quadrilateral shapes and its formulas. You can understand in the 7th or 6th class, maybe thode bahut kiye honge. Today I explain first of all formulas and then exercise 11th A, 11.1. Here we have to adjust area of rectangle. Area of rectangle का क्या formula है? You know very well about it. Length into breadth. Next is area of square. Area of square का formula है square side into side. Square के सारी sides equal होती हैं और उसके side into side means area क्या होता है? Internal part of the figure is called the area. Shaded part of the figure is called the area. And circumference या perimeter क्या होता है? जो boundary होती है, that is called the circumference या perimeter. Circumference in case of circle and perimeter in case of any other figure. आगे आ जाता है area of triangle. ये formulas आप सारे note कर लेना है copy पे, so that you can understand very well this exercise unit. Half of base into height is the formula of triangle. आगे है area of, ये तो होता है right triangle के according, area of right triangle. अगर हो triangle equilateral, area of equilateral triangle, तो in that case formula root of 3/4 side square. Next is we have to adjust here area of parallelogram. Parallelogram का मैं sign ये डालते हैं हमेशा. पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, मींस के पैरेललोग्राम ये होता है, इसमें एक हाइट दी होती है और जिस साइड के ऊपर ये हाइट है कॉरेस्पॉन्डिंग बेस उसी को माना जाएगा. मतलब ये साइड दी होनी चाहिए और ये हाइट दी होनी चाहिए. साइड ये या ये दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है. अगर ये साइड दी हुई है या ये साइड दी है तो इसके अकॉर्डिंग ही हाइट दी होनी चाहिए. नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज़ पाई आर स्क्वेयर. सर्कल जैसे ये होता है, आर फॉर रेडियस, पाई मीन्स इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ऑलमोस्ट 22/7 या फिर 3.14. समटाइम 3.14 दी होती है तो वही लेनी है, अदरवाइज ना वैल्यू इज गिवन हो तो पाई की वैल्यू हमेशा हमें 22/7 लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है. नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. If we are given two heights and a diagonal, means के जैसे ये quadrilateral दिया हुआ है, इसमें एक diagonal दिया हुआ है, दो heights ये वाली दी हुई हैं, तो इसके according क्या formula होएगा? That is half of diagonal multiply by sum of heights या sum of perpendiculars. Heights को perpendiculars बोलते हैं और जिस diagonal के ऊपर ये दोनों दिए हुए हैं वो हमें adjust करने हैं. One term is rhombus. Area of rhombus का क्या formula है? Rhombus is a figure whose all of sides are equal and its two diagonals are equal mainly in this case. Then its formula is half of d1 into d2. D1 means first diagonal, d2 means second diagonal. If diagonals are not given to us, then it is a form of parallelogram. In that case, हमें area of parallelogram का formula लगाना है b into h. Next is area of ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है? दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं. जैसे ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं. एक इसमें होएगा डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. मतलब ये दोनों साइड्स दी होंगी, ये हाइट दी होगी, तो इसी के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस इन दोनों साइड्स का एडिशन. वन टर्म इज हेयर टोटल सरफेस एरिया. TSA मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड किस फॉर्म में होता है? रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है. और इसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे ईंट होती है ब्रिक, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. बुक, बुक इज़ द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड. इसमें लेंथ दी होती है, ये ब्रेथ दी होती है और ये हाइट दी होती है.
ये तीन चीज़ें इसमें मेन दी होती हैं। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होएगा, डबल ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। मींस के लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये बेस के अकॉर्डिंग हो गया, ब्रेथ इनटू हाइट ये जो साइड वाले पोर्शन है उनके अकॉर्डिंग, और लेंथ इनटू हाइट ये जो फ्रंट वाले पोर्शन है उनके अकॉर्डिंग। इनको हमने एडिशन कर देना है एंड इनका डबल, क्योंकि दो दो पार्ट्स हैं ना, फेसेस इसके सिक्स होते हैं, दो फेसेस हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डबल ऑफ एल बी, दो फेसेस हैं इसके साइड वाले डबल ऑफ बी एच, एंड दो फेसेस हैं इसके फ्रंट वाले, एक फ्रंट और उसके बैक वाला डबल ऑफ एल एच। तो इसके अकॉर्डिंग मेन फॉर्मूला ये होएगा, तो टू कॉमन आ जाएगा, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये बन जाएगा। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डाइस, डाइस जो होती है वो क्यूब की फॉर्म में होती है, जैसे दो स्क्वायर होते हैं और बाकी की फॉर्म भी सारी स्क्वायर्स की ही होती हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, सिक्स इंटू साइड स्क्वायर। एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड स्क्वायर, साइड को हमने एल मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे, सिक्स स्क्वायर्स होते हैं इसमें, तो सिक्स इंटू साइड स्क्वायर्स। अब आता है लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया हो या लेटरल सरफेस एरिया हो एक ही बात है, इस बात का ध्यान रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अब क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होएगा, साइड, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें एरिया ऑफ फोर वॉल्स एडजस्ट करना होता है, मींस टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, डबल मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इवन, दिस इज द टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेंथ और ब्रेथ को एरिया ऑफ फोर वॉल्स में लेंथ है और ब्रेथ है, और हाइट जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, मतलब कि टू एल एच और टू बी एच, ये साइड एरिया फोर वॉल्स साइड वाले, जैसे फॉर्म है रूम की, रूम की एरिया फोर वॉल्स में सिर्फ ब्रेथ होएगी और हाइट होएगी, या फिर लेंथ होएगी और हाइट होएगी, बेस ये वाला अपर बेस एंड डाउन बेस छोड़ देना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाता है। और इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें भी एरिया फोर वॉल्स में अपर एंड बेस पार्ट छोड़ देना है, तो ये हो जाएगा फोर साइड स्क्वायर, एल फोर साइड, यहाँ पे मैं नोट ही कर देती हूँ, एल इज डिनोटेड बाय साइड। एंड लास्ट फॉर्मूलाज आर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है टू पाई आर एच, सिलेंडर इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, जैसे ट्यूबलाइट होती है उसकी फॉर्म ये होती है, तो उसमें टू पाई आर तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, और हाइट ये हो गई एच। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला है आपके पास टू पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये कैसे एडजस्ट करना है, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो गया टू पाई आर स्क्वायर, और टू पाई आर एच इसका सर्कमफ्रेंस, जैसे लेटरल सरफेस एरिया भी ऐड कर देंगे तो टू पाई आर कॉमन आ जाएगा, आर प्लस एच इज़ द वैल्यू। वन इज हेयर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड लास्ट फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनको बोलते हैं थ्री डी शेप फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर, मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी होते हैं, इसलिए इनको थ्री डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है टू पाई आर स्क्वायर एच। दीज आर द मेन फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज। टाइम टू टाइम ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज होंगे, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस फॉर्मूलाज। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.1। इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, तो जो डाउटफुल क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, आई विल एक्सप्लेन दोज क्वेश्चन ओनली। एंड टूडे आई एक्सप्लेन यू वन पार्ट, वन क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका सिंपल है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेंसुरेशन
मेजरमेंट गिवन इन फिगर हैव सेम पैरीमीटर, पैरीमीटर इनके सेम है। अब पैरीमीटर के अकॉर्डिंग आप एरियाज एडजस्ट करोगे, बट विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, मतलब इनकी डायमेंशंस दिए हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर आप पैरीमीटर सॉल्व करोगे दैट इज़ सेम, बट एरियाज फाइंड करोगे एरिया का फॉर्मूला लगा के, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा आपके पास जो लार्जर एरिया होगा वो हमें शो करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, इफ़ इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू देन यू कैन सेंड मी ऑन माई पर्सनल नंबर 9917013 13। एंड टूडे आई एक्सप्लेन सेकेंड क्वेश्चन। मिसिज कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन फिगर, फिगर गिवन है। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन मिडल ऑफ प्लॉट, हाउस बनाना है मिडल ऑफ प्लॉट में। शी वॉन्ट्स सॉरी अ गार्डन इज डिवेलप्ड अराउंड द हाउस, बाहर की तरफ एक गार्डन बनाना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग द गार्डन, सिर्फ गार्डन बनाने की कॉस्ट एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। अब जो फिगर है वो आपकी इस फॉर्म में है, एक बाहर है स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर है रेक्टेंगल, और ये जो शेडेड पार्ट है वो है आपका गार्डन। और गार्डन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये फुल स्क्वायर का एरिया फाइंड करो देन इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। तो फुल में से हम ये रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं क्योंकि ये शेडेड पार्ट आ जाएगा, उसको हमने 55 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके अकॉर्डिंग डायमेंशंस दी हुई है, डायमेंशंस ऑफ प्लॉट, डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ये तो दी हुई है हमें 25 मीटर्स ईच। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया साइड इनटू साइड, दैट इज 25 × 25 265 मीटर स्क्वायर। अब लो डायमेंशंस ऑफ हाउस, अब हाउस की डायमेंशंस दो जो दी हुई हैं वो आपको एक दी हुई है लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। अंदर वाली फिगर देखो हाउस की, तो बाहर उसके लिखा हुआ है ऊपर शेडेड पार्ट में 20 एंड 15, वो इसके डायमेंशंस है, मीन्स लेंथ है लेंथ ब्रेथ, और लेंथ एंड ब्रेथ होती है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ हाउस, इसमें रेक्टेंगुलर लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा हाउस लिख दो, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ 20 × 15 300 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में लेनी है इसकी जो यूनिट लेनी है हमेशा एरिया की। आगे हम लेंगे एरिया ऑफ गार्डन, ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, स्क्वायर प्लॉट था 625 माइनस कर देंगे हाउस, तो ये आ जाएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग गार्डन पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर की कितनी दी हुई है 55 रुपीज़, और अब हम क्या फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेलपिंग गार्डन 55 मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 55 मीटर स्क्वायर का मतलब 325 मीटर स्क्वायर जो हमने एरिया फाइंड किया था एक्चुअल। तो इसका मतलब 1 को हमने 325 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे बस 55 × 325, तो इट विल बी 325 × 50 + 325 × 5 0 25 10 × 12 1 15 & 1 16 16 25। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज़ 5 7 8 7 1, ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि ये रुपीज़ में थी वैल्यू। 11.1 का आंसर है 17875। क्वेश्चन नंबर सेकंड का दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप अपना ट्राई करो, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन थैंक यू।